चकल मिलती है कटप्पा से? मिलती हो भाई, वो आ जाओ ही सब इस मिल मिलने प्यार हो नु मिलना चाहते हो? मिलना तो मिलना प्यार से है कि वो हिंदुस्तान है तुसी पाकिस्तान कितने भी हो पासपोर्ट से चल दे दंबर अगर वो कह के बाबा जी मैनू मिलन आते फिर चले जाओ चले जाओ इंशाल्लाह तल चले जाओ कमाई दे कादे वास्ते पै जे कि सज्जन बेली मिलना ही नहीं पाकिस्तान तो हिंदुस्तान इकट्ठा से उदो इकट्ठे होंगे उदो भी ये काम उदो भी साढ़ा व्डे यो ही करते हैं हिंदू दुकाना तो सारा समान आ लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन आपने देखा होगा बाहुबली मूवी है जो उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया कटप्पा। तो नाज़रीन उन पाकिस्तानी कटप्पा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि नाज़रीन आपने भी बताना कमेंट्स में कि इनकी शक्ल इनसे मिलती है नहीं। और नाज़रीन इससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तानी कटप्पा हैं ये अपनी मेहनत करते हैं, अपनी जो डेली की जो मजदूरी है वो करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो आपने भी ज़रूर बताना है कि ये वाकई ही कटप्पा लगते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, रब जी रहमत जनाब जी, की हाल है? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, जो मालिक ने देंदा पे सोना देंदा पे, चंगा देवे मंदा देवे रिजे कोंदे कोल। अच्छा बाबा जी, माशाल्लाह तुसी बैठे हो, कितने अरसे तो कर रहे हो काम? मैं पहले अपने बुए के तांदा यका मार्केट को उसे मैं काफ़ी चेर हो गया, इतने मैं 7-8 साल हो रहा है, उसे 40 साल हो गया मैं नहीं उसे पिछे। मतलब ये तुसी शुरू तो करते आ रहे हो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद? दादे साडे माँ कर दी, भैन कर दी सी, फिर 4 भैन वो भी फौत हो गई, माँ सी वालदा फौत हो गई, रास्ते च आया थोड़ी जे सारे थोड़े अबाओ जिदा ये करते आए? यो यही करते रहे, तंदूर तांदे रहे, दाने बुनते रहे, सब्जी कनाल भी बेची कोई साल को। मतलब कि जो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान इकट्ठा से उदो इकट्ठे होंगे उदो भी ये काम? उदो भी साडा व्डे यो ही करते हैं, हिंदुओं की दुकाना तो सारा समान आ, मकई हो गई, बाजरा हो गया, चने हो गए, चावल हो गए, गुड़ हो गया। उन्होंने ना ठेकू हिंदू सी, एक दर रोशू खत्री ना सी, उन्होंने दुकाना तो असी है बच्चे जिडा जो मैं जाता रहा उन्होंने। कितनी उम्र तो मेरी हो गई 70-75 साल। 75 साल उम्र है चाचा जी, तो फिर भी तुम माशाल्लाह एड्डी स्ट्रगल तो मेहनत कर रहे हो, बड़ी वही गल है। मैं कहना कि 75 साल की उम्र से बंदा डंडे तो सारे लाल तुरद है। अलहमदुल्ला असी किसी ने बेईमानी नहीं की, ये मालिक का देन है। क्या बात, ये दंद भी कैम ने सारे, तो गन्ना भी चूब लेना मैं। बड़ी गल है बाबा जी के 75 साल की उम्र से माशाला तुरते फिरते हो, काम कर लेंगे हो, यह गन्ना तो अजकल जो यंग जनरेशन मुंडे इन्हें को नहीं चूपया? माशाला अही तो रोटी में तंदूरी की सुकी खा जाना, ए जो पतीसा बनया ना भाई की कड़क कड़क आवाज आई वह भन के खा जाना मैं। बाबा जी जिहड़ा तुसी माशाल्लाह तुसी दस्या जिवें विरासत तुहाडे च आया, तुहाडे बाबो जी दादा वड्डे करदे रहे ने, ते इहदे नाल अजकल दे दौर दे विच गुजारा हो जांदा? बस माड़ा मोटा ही हुंदा पिया। किन्ना क गुजारा हो जांदा कि मतलब कि घर दा सर्कट वगैरह सही चल जांदा या नॉर्मल है? नहीं वो ते बच्चे आपो अपना करदे ने, ते बच्चियां नूं वी कई वेले देना पै जांदा, नहीं वी हुंदा उहनां कोल। बच्चे शादीशुदा ने? हां हां, यही इस कारोबार तो बच्चे शादीशुदा किए ने, मतलब शादियां की इन्हें जो उमरा किया इन्हें तो शादी की है। हाँ मतलब कि ऐसे कारोबार च उमरा भी किया बच्चे भी व्याहे ने, किन्ने बच्चे शादी की थी? पंजे बेटे सी, एक धी सी, 4 बेटे ने। बाबा जी बड़ी गल है कि ऐसे काम के माशाल्लाह बच्चे भी शादी भी की, तो बड़ा निज़ाम है, तो हूँ उस रेट तो लभ जाते हैं या रेट वध गए? नहीं 240 रुपये चले हुए। पहले किस तरह लेंदे रहे? पहले नवाज शरीफ के दौर से 160 रुपये लेंदे, 60 रुपये किलो, हूँ 240। आप देख सकते हैं कि बाबा जी 75 साल की एज है इनकी, तो माशाल्लाह अपनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों से नहीं लेते कि हमें खाने के लिए वो रोटी दें, या अपने बच्चों से नहीं मांगते, अपना ही कमाते हैं खाते हैं माशाल्लाह इधर है। तो बाबा जी एक मैं मतलब पर्सनल थोड़ा सा सवाल है, खुशी की बात है कि आपने बाहुबली फिल्म इंडिया की है जो, उसकी आपकी उनसे शक्ल मिलती है कटप्पा से?
ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਹਾ ਦਿਓ ਇਹ 100 ਬਿਸਮਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨੂ ਭਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਹੀ ਵਾਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਜਰ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ नज़र आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि इनके हम शक्ल हैं कहते हैं वो पंजाबी में कहते हैं कमाई का की फायदा जो सज्जन वेले उन्हें मिलना हूँ किसे मतलब कि जिमें होवे कि माशाल्लाह तुहाडी शक्ल मिलती एक बंदे नाल बाहुबली दे अगर तुहानू कोई कहे कि तुसी फिल्मा काम करना करोगे हूँ वेलो उम्र का लिया वो तुहाडी उम्र का ही है हाँ तो साडे को नहीं ना डायरेक्टर करा रहे हुंदा है कर लोगे करैक्टर कर लांगे करन लगे दसना ही तो बोलना ही है ना ਅੱਗੋਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਟੱਪਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲਾ ਕਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੀਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਫਿਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਗ ਵਜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿੰਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ अपनी मेहनत करते हैं मेहनत कश है और सबसे बड़ी बात नाजरीन 75 साल की एज में मैं कहता हूँ ये इस फिर भी ये चने बेचते अपनी मेहनत मजदूरी है 5-4 बेटे एक बेटी भी है लेकिन उनसे नहीं मांगते 75 साल की उम्र में अपनी मेहनत करते अपना खाते हैं और नाजिर हम इनके पास हम रैंडम यहाँ से गुजर रहे थे हमने देखा कि बाबा जी बैठे हुए लेकिन इनकी शक्ल है बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी कटप्पा का रोल किया उनसे इनकी शक्ल फुल मिलती है बाबा जी से हमने पूछा कि आप उनके साथ फिल्म में काम करना चाहेंगे अगर वो कहते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि क्यों नहीं मैं ऑलरेडी किसी 2-3 फिल्मों में काम कर चुका हूँ बाबा जी की स्टोरी के लिए इनकी लाइफ के लिए कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।